फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड घुमक्कड़ में। तो गाइज, आज हम जा रहे हैं नैनीताल, उत्तराखंड की एक जगह जो बड़ी फेमस है, बड़ी ही खूबसूरत है, और मैं आपको वीडियो में लगातार लेके चलूंगा। आप बने रहना, तो आप यार कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। ओके गाइज, मिलते हैं वीडियो में। तो आखिरकार हम पहुंच ही गए जहां पर हमको स्टे करना है। देखिए कितना सस्ता है, या आप चौंक जाएंगे, लेकिन आप फिलहाल आप बाहर का नज़ारा देखिए। देखिए क्या, कितनी बड़ी धर्मशाला है, बहुत बड़ी धर्मशाला है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही साफ है, साफ़ सुथरी तो बहुत है यार। देखिए स्पेस देखिए, मतलब बाहर का व्यूज़ देखिए आप, मतलब ये क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरा हुआ पड़ा हुआ है, और अब नई नई पेंट पुताई भी है इस पर। और देखिए डबल स्टोरी, ये बाहर का व्यूज़ है, और देखिए यहाँ से बड़ा ही मस्त। ये देखिए, मैं आपको अच्छी बात बता दूँ कि अगर जैसे आप लोग हल्द्वानी से आ रहे हो, हल्द्वानी से आते हुए नैनीताल की तरफ जाना है आपको, तो आप को बीच रोड पर ये पड़ेगी, ये जो रोड आ रही है ये हल्द्वानी से आकर नैनीताल जा रही है, और इसी के बीच में ये पड़ेगी। चलिए कोई नहीं, मैं अभी मेन गेट दिखाता हूँ आपको इसका। ये देखिए, ये है मेन गेट और धर्मशाला है ये लाला परमा शिवलाल के नाम से। और मैं आपको बताऊँ, ये चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। ये यहाँ पर एक चौकीदार साहब बैठे हुए हैं, चलिए अंदर चलते हैं। वैसे देखिए बाहर से वैसे बहुत बड़ा, बड़ी, बहुत ही बड़ी नज़र है ये धर्मशाला, बड़ी सुंदर है। रोड ये था वो, देखिए आप चौंक गए ना, टैरिफ सुनिए। देखिए डबल बेड 100 रुपीज़, ट्रिपल बेड 100, मतलब कि 150, 5 बेड 250 और 6 बेड 300, मतलब कि यार 100 रुपये में डबल बेड मिल रहा है आपको, और ट्रिपल बेड मिल रहा है 150 रुपये में, और 5 बेड मिल रहे हैं आपको यार 250 रुपये में। बोला और क्या चाहिए यार, यार 100 रुपये की तो कोल्डिंग आ जाती है यार। आप देखिए यार, और ये देखिए रूम, देखिए ये डबल बेड वाला रूम है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है यार। लेकिन मैं आपको बता दूं यार कि देखिए कोई बुराई नहीं है, और जब आपको लगता है कि सिर्फ रात ही काटनी है बाहर, हम लोग यहाँ पे सिर्फ स्टे घूमने के लिए आए हुए हैं, तो देखिए यार बिल्कुल एकदम साफ क्लीन, बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं है कि गंदे मिलेंगे आपको, बिल्कुल साफ़ सुथरे बेडशीट, और देखिए ये गद्दे वगैरह भी हैं, और मतलब सब कुछ साफ़ सुथरा है एकदम सही यार। बस ना ही इसमें देखो टीवी नहीं है, आपको पंखा मिल जाएगा, एसी वगैरह कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है यार 100 रुपीज़ में क्या मिलेगा। और लेकिन आपको इतना कुछ दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, आप एक बार ज़रूर आएँ। लेकिन हमने, भैया ने हमको बताया था कि यार ऐसा कुछ नहीं है, और रूम यहाँ पर अवेलेबल रहते ही हैं, तो आप एक बार ज़रूर आएँ अंदर इसमें धर्मशाला में एक बार घूमने के लिए। ये सोना यहाँ पर बाथरूम जेंट्स का है, और इसके बराबर में दीवार से अटके थोड़ा उधर ये लेडीज़ है देखिए, और ये गाड़ियों का स्पेस है, मतलब मेन गेट है, और यहाँ से गाड़ी यहाँ पर खड़ा आराम से खड़ी हो जाती है, काफ़ी लंबा चौड़ा स्पेस है। और ये मेन गेट है, मतलब अभी तो लॉक लगा हुआ है, एक गेट इसका उधर से है, ये दिशा निर्देश दिए हुए हैं, देखिए आप पढ़ लीजिएगा इसको आराम से क्या क्या है, बहुत अच्छा है। और ये इसकी एक दुकान है, मतलब जहाँ पर आप चाय, नाश्ता, लंच, डिनर सब कुछ कर सकते हैं, सस्ता है। आखिरकार मॉल रोड पर ये जो रोड है, ये मॉल रोड जाएगी, और ये देखिए यहाँ पर भी एक, मतलब यहाँ का व्यूज़ भी अच्छा है, और यहाँ पर भी बोटिंग वगैरह आप कर सकते हो। देखिए बोटिंग के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ये भी, लेकिन हम लोग जाएंगे अभी माल रोड, यहाँ ये जो रोड देख रहे हैं आप, यहाँ से हम माल रोड जाएंगे। और देखिए बोट खड़ी हुई है, मतलब मैंने आपको बताया ना कि आप यहाँ पर भी बोटिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको मिलेगी ज्वेलरीज, गर्ल्स वगैरह के लिए तो काफ़ी अच्छी अच्छी शॉपिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, और लेडीज़ पर्स, देखिए गर्ल्स का पर्स, गहने, मतलब ज्वेलरीज वगैरह, आर्टिफिशियल ज्वेलरी यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे दामों में आपको मिल जाएगी। कपड़े भी मिल जाएंगे, देखिए कपड़ों की शॉप है भैया की, सर्दी के कपड़े हैं ये, और ये गाउन, मतलब सॉरी, ये देखिए ये रोड जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ से ये रोड ही जाएगी मॉल रोड, यानी बाज़ार अंदर है, और ये भी बाज़ार ही है, मतलब मार्केट है। अच्छे अच्छे यहाँ पर आपको छल्ले मिल जाएंगे, देखिए 20-20 रुपये में, 20-20 रुपीज़ में भैया ने छल्ले लगाए हुए हैं गाड़ियों के, बाइकों के, मतलब छल्ला है यार, किसी भी चीज़ में आप लगा सकते हो, और घड़ियाँ भी लेकर जा सकते हो यहाँ पर आप। ये शॉप वाले अंकल हैं,
तो अंकल काफ़ी पुरानी, ये देखिए देखिए कितनी पुरानी आपकी दुकान है। अच्छा अंकल बोल रहे हैं बहुत पुरानी है। और ये देखिए यार भैया कपड़े देखिए यार आप, यहाँ पे 100 रुपये में ये सेल लगी हुई है। देखिए ये रहा वो मार्केट जिसको मॉल रोड पे, मॉल रोड का मार्केट बोलते हैं, ये है वो मार्केट। इनसे पूछते हैं कितने रुपए का है ये। अच्छा ये 100 रुपये का है, मतलब 100 रुपये में कुछ बिठाओ। और वहाँ चलते हैं, देखिए वहाँ दिखाता हूँ आपको। ये लेडीज़ के लिए हैं, जेंट्स भी हैं मतलब लेडीज़ के लिए हैं ये। और ये 350 रुपये, 350 रुपये में गजब यार, बिल्कुल एकदम सुंदर था। और भी आगे मार्केट में बढ़ते हैं। देखिए यार कपड़े ही कपड़े हैं एकदम, चारों तरफ आप मार्केट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, सभी चीज़ें मिलेंगी, मतलब खाना पीना कपड़े ज्वेलरी शूज़ सभी मिलेगा। और छाते देखिए, ये देखिए देख रहे हैं ना आप, ये देखिए ये भी 350 रुपये है। और हाँ मतलब मैं आपको बता दूँगा, मतलब 100 रुपये से स्टार्ट है। ये आगे हैं हम एक मार्केट में, सुपरमार्केट मतलब एक शॉप टाइप है। ये सोच रहे होंगे आप बियर के गिलास है, नहीं 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 मैं आपको बता दूँ, ये बियर के गिलास नहीं, ये मोमबत्ती है। और ये देखिए अंदर मतलब ये भी एक शॉप है, उसमें ज्वेलरीज वगैरह हैं। देखिए अंगूठी घड़ियाँ मतलब सॉरी अंगूठी वगैरह और गले में पहनने वाले नेकलेस हार वगैरह ये सब। ये कपड़े हैं देखिए बहुत ही सुंदर हैं, मतलब यार सस्ते में आपको, अगर आप सस्ते में भी कपड़े खरीदना चाहते हैं ना तो आप यहाँ से आपको मिल जाएगा। और मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आकर, आप भी आइए, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आप गए हैं नैनीताल तो आपको कैसा लगा ये मार्केट। खैर आगे चलते हैं, देखिए ये लेडीज़ टॉप यहाँ पर गर्ल्स के लिए भरमार है भाई भरमार। तो यार ये देखिए ये 100 रुपये से लेके यहाँ पर आपको 300, 400, 500 रुपये तक आराम से मिल जाएगा। ये देखिए 250-250 रुपये के टॉप हैं, ये देखिए देखिए यार क्या बिल्कुल साफ पानी में साफ मछलियाँ एकदम साफ नज़र आ रही हैं यार। आखिरकार भीमताल, ये है भीमताल। तो यार यहाँ की बड़ी मान्यता है कि, मतलब ऐसा कथाओं में वर्णित है कि यहाँ पर जो 5 पांडव थे उनमें से एक भीम थे, भीम ने गदा मारकर मारा था यहाँ पर, तो उसकी वजह से इसको भीमताल बोला जाता है। तो देखिए यार अब एक बार ज़रूर आना भीमताल, तो ज़रूर आना यार देखने के लिए, गजब एकदम ऐसा गजब। ये देखिए पॉट्स वगैरह हैं, ऐसा नज़ारा है कि यार कि एकदम बेहतरीन व्यूज़ है इसका आने का, मतलब बहुत बेहतरीन व्यूज़ आ रहा है। देखिए ये है पहाड़ियों का नज़ारा यार, बाहर से ऐसा दिखाई देता है कि जैसे हमें मतलब कि ऐसा फील हो रहा था कि एक से एक सुंदर, जैसे कश्मीर में भी इस तरह की नाव मैंने आपको दिखाई, लेकिन ये देखिए एक छोटी स्पेशल शाम के टाइम का नज़ारा देखिए ये। और मैं आपको बताऊं कि ये खाली वाली बोट है, और अभी देखो आप, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए देखिए यार क्या नज़ारा है ज़ू पर, चिड़ियाघर नैनीताल का चिड़ियाघर। तो यार ये है बाहर का नज़ारा जो आप देख रहे हो अब अंदर, और काफ़ी एंजॉय किया हमने यहाँ पर। अब हम पहुंच गए, देखते हैं अंदर क्या क्या मिलेगा, चलिए चढ़ते हैं सीढ़ियों से। और यार ये काफ़ी ऊपर भी है, इधर साइड में भी है इसका जाने का, देखिए एक रास्ता इधर से है, और ये यहाँ पर एक शेर घूम रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो आप, वो देखिए ये रहा एक शेर और चीता, मतलब बाघ बोलते हैं इसको बाघ। और ये इसका एक छोटा सा, छोटी सी गुफा टाइप इसका एक गेट है ये, जिससे बाहर आता है, लेकिन पूरा बाहर नहीं आ सकता, मतलब डबल करके इसको बनाया हुआ है ताकि नुकसान ना पहुँचे। पर यार माँ बहुत ही बड़ा शेर है, मतलब सॉरी यार बाघ है। और आप एक बार ज़रूर आओ यार, और अगर आप नैनीताल आ रहे हैं ना तो नैनीताल ज़रूर आएँ, और नैनीताल आने के बाद आप ज़रूर ज़ू में ज़रूर आएँ। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर हमको मिला ये कुत्ता मजाक कर रहा हूँ यार, ये है भेड़िया और कुत्ते जैसा ही है, इसको शायद कुछ खाने पीने को मिला हुआ नहीं है, देखिए इसकी शक्ल ऐसी होगी कुत्ते जैसी। एक और इसका भाई ये रहा, उससे तो अच्छा यार ये लग रहा है, ये तिब्बती भेड़िया है। आगे एक और इसका भाई खड़ा हुआ है देखिए पूरा, ये है भालू डियर टैडी काला भालू, और ये है लेपर्ड जी हाँ। और ये गाइस ये बड़ा ही भयंकर है, और ये तीन हैं यहाँ पर, दो आपको दिखा दे रहे हैं इसके बीच में। और ये है भेड़िया शीप सॉरी। और ये देखिए क्या आ रहा है यहाँ से, ओहो ये भी एक भेड़ है। ये देखिए ये है रेड पांडा, जिसको लाल पांडा पांडा भी बोलते हैं ना, ये है लाल रेड पांडा। देखिए कितना सुंदर है यार, बहुत ही मतलब आपको पसंद आने वाला है, इतना सुंदर है बहुत ज़्यादा यार। देखिए देखिए क्लोज कर दिखा, ये देखिए
ये है, ये मुर्गे थे और सैलानी कृपया पूरा कूड़ेदान में डालें। यह सफ़ेद मोर अक्सर कर आपको देखने को ऐसे वाले मोर मिलते होंगे, लेकिन ये चिड़ियाँ हैं तो यार आप आना ज़रूर, आपको मुझे बताना कि कैसा लगा आपको, ये जंगली बकरी है और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना यार कि आपको कैसा लगा। आप एक बार ज़रूर आएँ नैनीताल जू और मज़े करें, एंजॉय करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यार अपने भाई को सपोर्ट करें और माँ का समय सॉरी यार नैना देवी मंदिर कहते हैं जो नैनीताल आया है और वो नैना देवी मंदिर नहीं आया, तो यार क्या नैनीताल आया, तो आप ज़रूर आएँ, ज़रूर आएँ।